Hi guys, and thank you for watching my previous videos and appreciating it. And if you have not watched it, then please watch it now. So, you can see there's a changing background. Yeah, it's related to the video. So what does come into your mind first when you see the open sky? What does comes into your mind first, at least to me, is freedom. But कई लोगों को अपने लाइफ में ये फ्रीडम को सैक्रिफाइस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज एंड इंसिडेंट्स इन देयर लाइफ विच दे कैनॉट अवॉइड. आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमन विच हैव बीन राइजिंग इन द अलार्मिंग रेट. एवरी वन ऑफ 10 गर्ल इज फेसिंग मोलेस्टेशन, इंफ्टेजिंग, रेप्स, एंड इट्स ऑलवेज अ विक्टिम विच गेट्स पेनलाइज बाय द सोसाइटी. वाई? बिकॉज कई लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में जो इसको इसके प्रोपोनेंट है. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में कई औरतें बात कर रही है कि इस लड़की को देखा है कपड़े पहनते इतनी छोटे छोटे, इस लड़की को देखा है खाली लड़कों से बात करती है. पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि मेन एंड वुमेन इंटरेक्टिंग है ना, दैट्स इट. और कई जो आपके फैमिली में हो सकता है, आपके नेबरहुड में अगर कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा तो ऐसे होता है कि लड़की की फैमिली जाके कंप्लेन करती है कि आपके बेटे ने ऐसा किया, तो लड़की की फैमिली का ऐसा जवाब आता है आपके लड़की ने छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, आप हमारे लड़के को दोष दे रहे हैं. सर और मैडम, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप खुद को इंसान समझते हैं? तो बट इन लव के लिए ना मेरे मुँह में से ना कोई शब्द नहीं आता. वन थिंग, जस्ट वन थिंग, कि अगर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट कभी भी घटता है, और अगर इफ़ यू आर सीइंग दिस हैपनिंग विद यू और सम अदर गर्ल, तुम सीधा उस लड़के के पास जाना है और ये बोलना है क्या देख रहा है, अब देख के तो दिखा. सीन है बाहुबली 2 से, इफ यू नॉट वॉच द मूवी देन प्लीज वॉच, इट्स वेरी गुड मूवी. बट एक सीन है बाहुबली 2 से विच आई पर्सनली थिंक दैट इट इज रियली रियली अप्रोप्रिएट फॉर द सोसाइटी. सब वायलेंस नॉन वायलेंस सब किताबों में अच्छी लगती है, बट ऐसे लोगों के साथ ही ना ऐसा ही करना चाहिए. अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था, मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी. गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला. यू नो, हम ये हमेशा सोचते हैं कि ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन आर ओनली फेस्ड बाय यंग गर्ल्स,
But they are also faced by women at their age of 40s, at their age of 50s. But they can't share this with their family or their children or their husband because they feel ashamed. But again, this is very wrong because we are covering the root cause of such atrocities. All those aunties out there who are listening to me, if you have ever faced this incident or if you know someone who has faced this incident, then stop there and there. Share it with your family, share it with your husband, share it with your children. And if you have a son in your home, definitely share with him so that he can understand what pain a woman goes through when she faces such incidents. Share this with your son so that it does not happen with another woman out there. ये टोन चेंज कर दो। क्यों मॉम? बदल दो। पर क्यों? क्योंकि रोज जब मैं ऑफिस जाती हूँ, कुछ लोग मुझे देखकर ऐसी ही सीटी मारते हैं, और मैं सीटियों से थक गई हूँ। Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. जब हम भारत कहते हैं, तो हम भारत माता कहते हैं, और इस भारत की बेटियों के साथ ही यही इंसिडेंट्स घटे जा रहे हैं। कोई सलूशन नहीं है इसका. यू नो गर्ल्स आउट देयर, इट्स स्टॉप बीइंग नम, स्टॉप बीइंग अशेम्ड, इट्स टाइम टू रेज आवर हैंड्स अगेंस्ट दोस बास्टर्ड्स हु डू दिस. एक औरत के लिए उसके इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होती. एंड टू ऑल द बॉयज आउट देयर, आई नो कि समाज में कई ऐसे लड़के भी होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन, बट द परसेंटेज इज वेरी लेस. बट we should all come together and fight against it. Stop being numb, stop being ashamed, fight against it. Jai Hind.